हेलो फ्रेंड्स, मैं मीना। और सब कैसे हैं? तो देख सकते हैं आप, ये वाइट हिबिस्कस कितना खूबसूरत से फूल है इसके, और बहुत अच्छी ब्लूमिंग है इस टाइम पे, और कलियां भी बहुत है इसमें। देखिए, एक एक ब्रांच पे कितनी सारी कलियां हैं, और रोज इतने सारे फूल इसमें खिलते रहते हैं। कितने सारे खिले हुए हैं और काफ़ी फूल इसमें खिलते रहते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये वाइट हिबिस्कस। तो सुबह दो आज मैंने दोस्तों सुबह पानी नहीं दे पाई हम प्लांट्स पे, तो थोड़े से मुरझा रहे हैं, और मुझे इनको खाद भी देना था। और ये गुलदाउदी का फेवरेट भोजन कह लीजिए, ये गुलदाउदी के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये, और हम ये खाद देंगे तब इसमें अच्छे से फूल आएंगे दोस्तों। और हाँ, अगर नहीं भी देंगे तब भी आएंगे फूल, बट इतने अच्छे नहीं आएंगे जितने अच्छे हम ये खाद देने से आएंगे। और जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे तो वो हमें गुलदाउदी के लिए ही बनाया है, और आप और प्लांट्स में भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं भी दे देती हूँ और प्लांट्स में भी। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सरसों का खली, सरसों की खली जो होती है लिक्विड, उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है। तो बहुत ही खूबसूरत से फूल आते हैं उससे, और जो सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा होता है, और काफ़ी सारे न्यूट्रिशन होते हैं उसमें, और बहुत अच्छे से अगर आप वो डालेंगे दोस्तों हर 15 दिन में, तो आपके फूल गमले में भरे रहेंगे, पत्तियों से ज़्यादा फूल ही फूल देखेंगे दोस्तों। मैं दिखाती हूँ, तो यहाँ पे ये गुलदाउदी मेरे लगे हुए हैं क्रिसैंथेमम, जो कि अब इनमें बड्स भी आने लगी हैं, कलियाँ बनने लगी हैं, ये देखिए। तो काफ़ी सारे यहाँ पर लगे हुए हैं दोस्तों, जो मैंने बनाया फर्टिलाइज़र, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये है दोस्तों वो सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो जो मैंने बना के रखा दोस्तों, तो ये है करीब 4-5 दिन का हो चुका है। तो ये देखिए अभी काफ़ी ज़्यादा है, ये गाढ़ा है, तो हमें ये ऐसा नहीं देना है। तो बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है ये, मैं तो बहुत लेट हो गई हूँ, इस बार मैंने दिया है नहीं है, पहली बार ही दे रही हूँ मैं इसमें गुलदाउदी को, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया दोस्तों देने का। तो अब मैं दे देती हूँ, कलियाँ भी आ गई हैं, तो और अच्छे से थोड़ा ब्लूमिंग आएगी, कलियाँ और भी आ जाएंगी। और दोस्तों, अभी आपको इसको कैसे देना है, तो हमें ये है बड़ा है, 1 लीटर का है मग ये, तो ये इतना गाढ़ा नहीं देना है दोस्तों हमें, ये बहुत गाढ़ा है, तो हम इतना नहीं देना है, हमें थोड़ी ही देना है। और देना कैसा है दोस्तों, हमें ये 1 मग इसका और 10 लीटर पानी, ये सादा पानी देना है, सिंपल वाटर, और 1 मग ये, 10 लीटर ये, यानी कि 1 लीटर ये और 10 लीटर ये, 1:10 का रेशो रहेगा। तो बस हम इसको लिक्विड कर पतला करके ही देना है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छे से परमानेंट हो गया है, काफ़ी टाइम दिनों से रखा है ये, 3 से 4 दिन हो गए, और ये थोड़ा सा ही मैं डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें पानी थोड़ा सा ही है, और बता रही हूँ मैं आपको कि कैसे देना है। ये देखिए, हमें इतना पतला देना है, ये देखिए हमें इतना पतला देना है, और हमें ये दोस्तों ये गाढ़ा नहीं देना है ये ऐसा। तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा और डाल देती हूँ, ये ऐसा देना है, तो ये अच्छे से हमें डाइल्यूट कर लेना है, और देखते हैं ये ऐसे ही देना है दोस्तों। तो ये सरसों की खली दोस्तों आराम से मिल जाती है कहीं भी शॉप पे, और मेरी काफ़ी पुरानी ये खली रखी हुई है, करीब 2 साल से 3 साल पुरानी खली है रखी हुई है, सरसों की खली है। तो ये कुछ है, ये इस तरह से है, तो मुझे लग रहा था ख़राब हो गई है, बट नहीं हुई थी ख़राब, और जो फूल गई है तो अच्छी हो गई है, परमानेंट हो गई है। तो दोस्तों, इसको आपको परमानेंट ही करना है, तो हमें ये ऐसे अपने गुलदाउदी के गमले में दे सकते हैं, ये देखिए। और दोस्तों, इतना ही पानी दीजिए जितना कि हमारा गमला में जगह हो, और ज़्यादा पानी मत दीजिए, क्योंकि वो फिर नीचे से ड्रेन आउट होगा, उससे कोई मतलब नहीं, वेस्ट जाएगा हमारी खाद। तो हम ऐसे ही और बना लेंगे, और सब गमलों में अपना दे देंगे। और दोस्तों, जब आप दीजिए तो उसमें थोड़ा, अगर शाम को देना है तो सुबह पानी मत डालिए, फिर दीजिए। तो हम ऐसे सारे गमलों में दे देते हैं,
और दोस्त यकीन मानिए इससे बहुत अच्छी खाद है और प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं होते हैं इससे, कोई भी नुकसान नहीं होते हैं दोस्तों। थोड़ा पत्तियों से बचा, पत्तियों में मत डालिए, ऊपर से मिट्टी में ही डालना है बस। ये हमें हम सब गमलों में दे देंगे तो इतनी ही दीजिए ना, गमले की नीड हो, ज़्यादा मत दीजिए ताकि ये नीचे बहना बहे। तो इसमें दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं तो आपके प्लांट्स को काफ़ी हेल्दी बना देंगे। और यहाँ पे ये मेरा डहलिया ख़राब हो रहा था तो इसमें मैंने फंगीसाइड का स्प्रे कल किया था, तो दोस्तों अच्छा है, मैं फिर से एक बार कर देती हूँ, अच्छा रिजल्ट मिला उसका। फंगीसाइड का सांप का फंगीसाइड मैंने इस पर स्प्रे किया था। और यहाँ पे काफ़ी गुलदाउदी ये रखे हुए हैं तो सब में मुझे इनको सब में खाद देनी है। और दोस्तों आपके पास आपने गुलदाउदी लगाए हो तो आप ही अपने प्लांट्स को ऐसे ही खाद दीजिए। और देखिए यहाँ पे मेरा विलास में कितने सारे सीड पॉट बन के तैयार हो गए हैं, तो आप इनको कलेक्ट भी कर सकते हैं और मैं उसी में डाल देती हूँ गमले में, तो ये उसी में फिर से निकाल आएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ दोस्तों। और काफ़ी अच्छा फर्टिलाइजर है, आप भी अपने गमलों में दीजिए। और यहाँ पे अमरूद देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है, ये देखिए, तो अभी नहीं तोड़ना है इसको, जब पक जाएगा तब तोड़ेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। एक एक अमरूद तो मेरी बेटी ने तोड़ भी लिया, चार उसमें थे, तीन ही बचे हैं। दोस्तों मैंने जब इसको डाला था तो उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई, तो आपको दोस्तों थोड़े से पानी में इसको प्लास्टिक की बाल्टी में या फिर आप मटके में भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ये फर्मनेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा सा ये फूल खिला हुआ है गिलाडिया का, बहुत प्यारा लग रहा है दोस्तों, आराम से ये फर्मनेंट हो जाता है, तो आप आराम से दे सकते हैं इसको खाद दीजिए। और दो चार दिन करीब इसको रखिए, फिर उसके बाद आप पानी में डाइल्यूट करके दीजिए, ज़्यादा पानी में दीजिए नहीं तो प्लांट्स ख़राब हो जाएगा, तो ज़्यादा पानी में ही देना है खाद को। और बहुत अच्छी खाद रहती है दोस्तों, मैं भी देती हूँ। और यहाँ पे देखिए कुछ सुबह पानी नहीं दिया है तो कैसे मुरझा रहे हैं, और अभी मैं इसको अच्छे से पानी दे देती हूँ। और सबको पानी देना है, सब प्लांट्स को खाद ही देना, खाद भी देना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।